हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमन ढाका चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ में लेके आई हूँ वो बहुत ही टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी बहुत है और सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगर इस तरह से आप बनाओगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ दही भिंडी। जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही भिंडी। दही के साथ में जो भिंडी बनाते हैं, अगर किसी को पसंद भी नहीं है तो 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बेल आइकन है उसको तो प्रेस जरूर कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही के साथ में भिंडी। आपने वैसे तो भिंडी की रेसिपी बहुत देखी होंगी, बट ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ये है मेरी स्टाइल। और मेरी स्टाइल से मैं भिंडी, जब मसाला भिंडी या फिर दही भिंडी बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं मेरी स्टाइल में भिंडी कैसे बनाती हूँ, दही भिंडी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला और मैंने भिंडी को लंबा कट किया है और बीच में से कट भी नहीं मारा है, और मतलब लंबे लंबे पीसेस इसमें के कट कर लिए हैं। तो सरसों के तेल में ये रेसिपी बनानी है क्योंकि सरसों के तेल में ये रेसिपी बहुत ही शानदार स्वाद रेसिपी बनती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें भिंडी को भून लेना है, मतलब हल्का हल्का सा नरम कर लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। तो आप देख सकते हो भिंडी का कितना बढ़िया कलर आ गया, सिक के तैयार हो गई है। तो बस थोड़ा सा इसको चलाएँगे और फिर भिंडी को हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। बस आप कंटिन्यू चलाते रहिए और गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम ही रखिए। तो साइड में देखिए, हम मसाला तैयार कर लेते हैं दही भिंडी का। तो ये मैंने अदरक सॉरी लहसुन जो है वो कट कर लिया है, और लहसुन के बाद में इसमें मैंने नॉर्मल मसाले डाल दिए हैं, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी। तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिए। देखिए, मैंने मेरे हिसाब से डाल लिए हैं, आप कम या ज़्यादा इसको कर लीजिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 से 3 चम्मच दही के मसाले के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स, जो भिंडी है वो पक के तैयार हो गई है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारी भिंडियों को निकाल लिया है और इधर हमारा मसाला है उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। तो बस मसाले को हमें बस इतना ही वो लिक्विड करना है, इसको ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है। तो जी, कढ़ाई में मैंने भिंडी निकाल ली थी, अगर तेल आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप और तेल डाल लीजिए, नहीं तो उसी जो बचा हुआ तेल है उसी में आप सब्जी बना लीजिए। तो देखिए, मैंने तेल को गरम कर गरम तो था ही, और उसमें मैंने डाल दिया है जीरा और हींग। और जीरा और हींग गरम होते से ही हम इसमें डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया है दही के साथ वो। तो ये मैंने मसाला डाल दिया है और इसको अब हम पका लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पकने के बाद में कितना शानदार लग रहा है। तो बस इसी तरीके से 1 सेकंड के लिए इसको और पका लेते हैं। और जैसे ही हमारा मसाला पक के तैयार हो जाएगा, जो हमने फ्राइड भिंडी रखी है उनको इसमें डाल देंगे। और इसमें अच्छे से मसाला सेट हो जाए उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा चलाना है और उसके बाद में इसको ढक के और पका देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए मसाले में भिंडी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो भिंडी है वो पक के तैयार हो गई है, सब्जी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। तो चलिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाउल में सब्जी को निकाल लिया है ना। देखिए कितनी आसान और फटाफट बनने वाली सब्जी, और टेस्टी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत स्वाद सब्जी बनती है। आप बना के ज़रूर देखिए और अपने कमेंट तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं आपको फिर मिलूँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।